तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, दैट इज सुनामी चैप्टर में। सो यार यहाँ पे टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वाज एबल टू सेव मेनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक पुकेट बीच इन थाईलैंड। दो शी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर्स टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इन टू अ हेरोइन। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? द्वितीय, टेली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल छात्रा। टेली स्मिथ क्या एक ब्रिटिश स्कूल की छात्रा है। थाईलैंड के फुकिट समुद्र तट पर सुनामी आने पर कई लोगों की जान बचाने में सफल रही है। टेली स्मिथ क्या की है, थाईलैंड में एक बार सुनामी आई थी, समुद्र सुमानी सुनामी, उसमें कई लोगों की जान बचाने में उसको सफलता मिली है। हालांकि उसने कई पुरस्कार जीते हैं, लेकिन उसके माता पिता ने अपनी बेटी को टेलीविज़न पर सकारात्मक देने और नायिका बनाने की अनुमति नहीं दी है। उसने कई लोगों की जान बचाने की वजह से उसे कितने तो पुरस्कार मिले हैं, लेकिन उसके माता पिता ने क्या किया है, उसको टेलीविज़न पर नायिका बनाने की अनुमति नहीं दी है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया? आपको क्या लगता है कि उनके माता-पिता ने यह निर्णय क्यों लिया? तो अभी चलते हैं यहाँ पे अगले के ऊपर, आपको समझ गया होगा। तो नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, यहाँ पे एक कहानी है थाईलैंड के। तो यहाँ पे पढ़ते देखें क्या है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वेर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिसॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड। अब पेश है थाईलैंड की एक कहानी। अभी एक पेश है थाईलैंड की एक कहानी। दक्षिण पूर्व इंग्लैंड का स्मिथ परिवार दक्षिणी थाईलैंड के एक बीच रेस्टोरेंट में क्रिसमस मना रहा था। तो क्रिसमस वो मना रहा था, देन क्या होता है आगे, यहाँ पे लिखे क्रिसमस एट बीच रिसोर्ट इन सदर्न थाईलैंड। तो टिली स्मिथ वॉज ए 10 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल, हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड, देयर पेरेंट्स वेर पेनी एंड कोलिन स्मिथ। टेली स्मिथ 10 साल की स्कूल छात्रा थी। टेली स्मिथ क्या 10 साल की एक स्कूल छात्रा थी। उसकी बहन 7 साल की थी। उसके माता पिता पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। तो यहाँ पे देखिए अभी, इट वॉज 26 दिसंबर 2004, डेडली सुनामी वेव्स वेर ऑलरेडी ऑन देयर वेव, दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। यहाँ 26 दिसंबर 2004 था। घातक सुनामी लहरें पहले से ही अपने रास्ते पर थी। 26 दिसंबर 2004 को घातक सुनामी की लहरें रास्ते पर दिखाई दे रही थी। वे उस सुबह पहले उत्तरी सुमात्रा में एक बड़ी भूकंप से शुरू हुआ। तो यहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सुबह से शुरू होता है। द वाटर वॉज स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब है फूलना। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन पेनी स्मिथ रिमेंबर, कमिंग इन इनका मतलब अंदर, पेनी स्मिथ रिमेंबर द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो वो सोचते हैं, आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग। पानी सूज रहा था, यानी पानी फूल रहा था और अंदर आ रहा था। पेनी स्मिथ को याद आया, समुद्र तट छोटा और छोटा होता जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। तो आगे यहाँ पे, बट टेली स्मिथ सेंस दैट, सेंस का मतलब है कुछ मापना। तो बट टेली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ तो गलत है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू जोग्राफी लेसन सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली। लेकिन टेली स्मिथ को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अपने परिवार के साथ थाईलैंड के लिए उड़ान भरने से ठीक 2 हफ्ते पहले उसका दिमाग
भूगोल के उस पार्ट पर जाता रहा जो उसने इंग्लैंड में लिया था। Then what happened next? Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubbles and form whirlpools. She remembered that she had seen this in case in a video of tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunami can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. टिली ने देखा कि समंदर धीरे धीरे ऊपर उड़ता है और झाग, बुलबुला और भंवरे बनाने लगता है। उसे याद आया कि उसने 1946 में हवाई द्वीप पर आई सुनामी के एक वीडियो में कक्षा में यह देखा था। उसके भूगोल के शिक्षक ने उसकी कक्षा को वीडियो दिखाया था और उन्हें बताया था कि सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी और भूखलन के कारण हो सकती है। Then the next thing that Tilly started to scream at her family to get off the beach. Tilly started to scream here. She talked about an earthquake under the sea. That means she were just discussed about some earthquake under the sea, not on the earth or the ground, under the sea. She talked there and she got more and more hysterical. Said her mother, Penny, I don't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. समुद्र तट से उतरने के लिए टिली ने अपने परिवार पर चिल्लाने लगी। उसने समुद्र के नीचे भूकंप के बारे में बात की। वह अधिक से अधिक हिस्टेरिकल हो गई। उसकी माँ पेनी ने कहा, मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है, लेकिन अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखकर मुझे लगा कि कुछ गंभीर तो हो ही रहा होगा। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hostel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run, run, run. This was the case that time. टिल्ली के माता पिता उसे और उसकी बहन को समुद्र तट से दूर होटल के स्विमिंग पूल में ले गए। उसके साथ कई अन्य पर्यटक भी समुद्र तट से चले गए। तब ऐसा लगा मानो सारा समुद्र उनके पीछे पीछे निकल आया हो। मैं चिल्ला रहा था, भागो भागो। Then the next, the family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would have been alive. परिवार ने होटल की तीसरी मंजिल में शरण ली। इमारत ने सुनामी के 3 लहरों की लहर को झेला। यदि वे समुद्र तट पर रुके होते तो वे जीवित नहीं होते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. Tell me story here. What had happened? She had told them. स्मिथ बाद में अन्य पर्यटकों से मिले जिन्होंने पूरे परिवार को खो दिया था। टिली और उसके भूगोल के पाठ के लिए धन्यवाद। उन्होंने पहले से ही अगवा कर दिया था। टिली वापस इंग्लैंड में अपने स्कूल गई और अपने सहपाठियों को अपनी भयानक कहानी सुनाई। So that's enough for that was the second part of this lesson, that is tsunami. So class 8. So if you want, not only because we are going to give the link in the description of the next videos, so please check the description and like and subscribe please. Now I'll just deal with some of these question answers and then afterwards we'll meet in part 3. Okay, till then, just a minute.
आई विल जस्ट डील विद द क्वेश्चन आंसर्स हियर. देयर आर सम क्वेश्चन आंसर्स व्हाट हैज हैपेंड. वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द फर्स्ट पार्ट दैट इज ट्रू और फॉल्स इन माय फर्स्ट पार्ट इटसेल्फ फर्स्ट वीडियो. एंड इन दिस वीडियो वी हैव सम क्वेश्चन आंसर्स. वी विल डील विद दिस क्वेश्चन आंसर्स दैट इज आंसर द फॉलोइंग इन फ्रेज और अ सेंटेंस दैट इज व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड. आंसर इज टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस. The third question is here. Answer the following. That is, why were the warning signs? What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? So answer is both Tilly and her mother saw the sea rising and swelling up. These were the warning signs for them. That time. And the fourth one is, do you think Tilly's mother was alarmed by them? Answer is Tilly's mother could not understand what was happening and only realized that it was serious. When Tilly got frightened and mentioned what a tsunami was. Now we come to the next question is, where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? So she had seen the sea behaving in the same strange fashion in where? In a video of tsunami in her own classroom when her geography teacher shown to her. So you can write this in your own also shown in the geography class which had hit the Hawaiian Island in 1946. The next question here, where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? The Smith family and the others on the beach took refuge in on the third floor of a hotel. Then the next one is, how do you think her geography teacher felt when she heard about what Tilly had done in Phuket? Answer is here, Tilly's geography teacher must have felt proud of her as she had made use of what she had learnt in the class to help save so many lives. This was the second part question answers. We'll meet in our next video, that is the third part. Okay, till then, bye, take care. And then, even I'm requesting you to please subscribe our channel and like and share please. Thank you.